जय यीशु, प्रभु यीशु के सामर्थ्य व नाम पर प्रियजनों, आप सभी लोगों को फिर से फादर अभिवादन करते हैं। हालेलुया। 89 दिन हम पूरा कर रहे हैं आज बाइबल तीर्थ यात्रा में। मेरे सह यात्रिकों को फादर धन्यवाद देते हैं, संग संग चलने हेतु आपको बधाई देते हैं और आगे बढ़ने हेतु फादर आपको क्या है प्रोत्साहन दे रहे हैं, पीछे नहीं रह जाना। प्रभु महान कार्य हमारे लिए कर रहे हैं इस मुश्किल घड़ी पे, तकलीफ की वेला में प्रभु हमको आसमान से मन्ना दे रहे हैं, अपने वचन दे रहे हैं। हालेलुया। हम विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 24 और 25 पे पहुंचे हैं, साथ में स्तोत्र संज्ञा 47 और यौहन के सुसमाचार को आज हम पूरा कर रहे हैं। इस तरह पूरे चारों सुसमाचार को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज यौहन के अध्याय 21, विधि विवरण 24 पे शुरुआत में तलाक से जुड़ी हुई कुछ बातें बताई गई। संदेश यह नहीं है कि तलाक को प्रभु बढ़ावा दे रहा है, बल्कि यह है वास्तव में तलाक जब आम हो चुके थे, ऐसी एक जनता के बीच में तलाक के ऊपर नियंत्रण लाने हेतु, तलाक को निरुत्साहित करने हेतु प्रभु ने यह नियम दिया है। इन्हीं वचनों को मत्ती के सुसमाचार के 19वां अध्याय पे लेके आते हुए, जब प्रभु की परीक्षा ले रहे थे तब प्रभु ने लोगों के सामने ईश्वर की इच्छा को प्रकट किया और उसकी घोषणा किया। कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर, इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शुरुआत से ईश्वर की इच्छा, क्या तुम नहीं पढ़ा, सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया, इसलिए अलग होना पिता की इच्छा नहीं है। इस तरह प्रभु ने घोषणा कर दिया। और उसके तुरंत बाद 5वां वचन में हम इस तरह पढ़ते हैं, कोई नवविवाहित पुरुष सेना के साथ युद्ध में ना जाए या किसी काम का भार उस पर ना डाला जाए, किसी काम का भार उसी पे ना डाला जाए, वह एक वर्ष तक घर पर मुक्त रहकर अपनी विवाहिता पत्नी को आनंदित करे, कम से कम एक साल तक कहीं दूर पे काम के चक्कर में नहीं जाना। इस पे एक बहुत सुंदर संदेश है प्रियजनों, पारिवारिक स्थिरता जो है, परिवार की मजबूती, पति कहीं दूर पे जाके पैसा कमा के लेके आने में नहीं। आजकल क्या होता है, शादी हो जाते हैं और उसके तुरंत बाद एक सप्ताह के अंदर पति या पत्नी दूर देश चले जाते हैं और वे यहाँ एक वहाँ एक करके रहने लगते हैं। कारण क्या है, पैसा चाहिए, सच में चाहिए, किंतु परिवार की स्थिरता पैसा पे नहीं। परिवार की मजबूती पति पत्नी के संग संग रहने में, एक साथ प्रार्थना करने में, एक साथ बातें करने में और अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु की महिमा के लिए संतानों को लाने में है। प्रियजनों, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग क्या सोचते हैं, संतान सब बाद में, पहले हम सेटल होने दे, पहले हमें सेटल होने दे, पहले हमें घर बनाने दे, अच्छी नौकरी मिलने दे और उसके बाद। लेकिन इस पे एक धोखा है। उसमें क्या है मालूम, संतान को स्वीकार करते वक्त हर एक संतान के साथ ही प्रभु आध्यात्मिक उन्नति और संपत्ति के क्षेत्र में उन्नति प्रदान करता है। ये अपने शक्ति से कमाने की कोई चीज नहीं है हर एक संतान को, क्योंकि जो एक शिशु को मेरे नाम पे स्वागत करता है मेरा ही स्वागत करता है, लाइफ है, जीवन है। शिशु को घर पे स्वीकार करेंगे तब जाके प्रभु उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति और संपत्ति की उन्नति सब उनको प्रदान करता है। लेकिन आजकल अनेक परिवार मजबूत न रहने के कारण क्या है मालूम, उसके पीछे
और परिवार टूटने के कारण संपत्ति को पहला स्थान दे देता है। सेटल होने की बात दुनिया की दृष्टि में उसको पहला स्थान दे देता है, और संतान को लाने में सब वो सब बाद में हम सोचेगा, हम अभी नहीं सोचा है, संतान को लाने के बाद अभी नहीं सोचा है, ऐसा रखता है। इसलिए विपत्ति आती है, संतानों को स्वीकार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हालेलुया। इसके बाद वचन 6 से पूरे इस अध्याय पर वचन 22 तक, इस पूरे अध्याय पे जितने भी नियम दी गई है, सभी नियमों की एक संदेश है, वो क्या है? प्रभु की कुछ लोगों के प्रति विशेष लगाव प्रकट कर रहे हैं। क्या है? गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए, परदेशी के लिए, विधवा के लिए, अनाथ के लिए प्रभु का दिल धड़कता है, उनके लिए प्रभु नियम बनाकर रखे हैं। नए विधान में हम यीशु के मुंह से इसलिए पाते हैं, धन्य है वे जो दरिद्र है, ईश्वर का राज्य उनके लिए है। हालेलुया। मतलब ईश्वर का राज्य मतलब ईश्वर जहां पर शासन करता है, ईश्वर की इच्छा जहां पर पूरी होती है, जहां पर ईश्वर का नियम सभी लोगों पर लागू है, वही ईश्वर का राज्य। इसलिए कंगाल, अभागे, मजदूर लोग जो है, परदेशी जो लोग है, विधवा है, गरीब है, इनके लिए सब प्रभु बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं, उनका देखभाल करते हैं, और इसलिए उनके लिए यहाँ पर नियम बनाकर रखे हैं। आप शायद पढ़े होंगे, और इसलिए मैं एक एक वचनों पर नहीं जाता हूँ, लेकिन सारे नियमों का एक ही मुख्य संदेश है, इनका देखभाल करना, इनको संभालना। इसलिए उनको तुच्छ नहीं समझना, इन अन्नों में किसी को तुच्छ नहीं समझना। इसलिए हमारे बीच में भी गरीबों के प्रति, अनाथ लोगों के प्रति, विधवाओं के प्रति हमारे हृदय में दया, प्यार, लगाव सब हो, उनकी मदद हर संभव हमें करनी चाहिए। हालेलुया। अब हम 25वां अध्याय विधि विवरण के, इस पे अनेक अलग अलग प्रकार के नियमों को जोड़कर एक साथ डाले गए हैं इस अध्याय पे। सबसे पहले परिकोप, यानी सबसे पहले वचनों में, 1 से 3 तक के वचनों में, झगड़ा होने पर लोकल कोर्ट पर न्यायाधीश के पास जाते हैं, वहां पर दोषी को सजा दी जाती है। वो सजा 40 कोड़े तक लगवा सकते हैं, उससे एक भी ज्यादा नहीं। अगर दोषी पाए जाते हैं, उनको कोड़े लगाए जाते हैं, कितना? 40 तक, एक भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए गलती से भी। इसलिए यहूदियों की नियम धीरे धीरे ऐसा हो गया कि 40 भी नहीं लगाते, एक कम 40 लगाते, जिससे गलती से अगर एक ज्यादा भी हो जाए तो 40 पर रुक जाएगा, उससे आगे नियम को नहीं तोड़ेंगे। इसलिए उन लोग एक कम 40 कोड़े लगाते थे। अब हमको समझ में आते हैं क्यों संत पौलुस इसके विषय में बाद में लिखते हैं। कुरिन्थियों के नाम लिखे पत्र, 2 पत्र अध्याय 11 वचन 24, यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। समझ में आया इसका कारण ऐसा है। और वो पौलुस ने कोई पाप नहीं किया था, बल्कि वचन की घोषणा करने के कारण इन्होंने ढूंढ निकाला ये गलती किया है, क्योंकि नियम ये जो बोलते हैं इनको समझ में नहीं आया यीशु के बारे में, इसलिए इनके ऊपर सजा दी गई 5 बार। तो ये 40 का नियम हम जानते हैं, 40 साल तक मरुभूमि में दंड भोगे थे, उसकी याद है। यहाँ पर भी जब दंड दिया जाता है 40 कोड़े। हालेलुया। उसके बाद हम 5 से लेकर वचनों में, यदि कोई भाई एक साथ रहते हैं, मतलब एक साथ सगे भाई लोग रहते हैं, उनमें कोई निसंतान मर जाए तो मृतक की पत्नी का विवाह परिवार से बाहर के किसी पुरुष से ना किया जाए, उसके पति का ही भाई उसके पास जाए और नियोग की प्रथा के अनुसार उसके साथ विवाह करे। नियोग की प्रथा, इसको इंग्लिश में लेविरेट मैरिज बोलते हैं।
लेविरेट, ये शब्द लैटिन भाषा के, लतूनी भाषा के लेविर शब्द से आया, इसका मतलब पति का भाई। तो पति मर जाए तो पति का भाई शादी करके बच्चा पैदा करे। ये नियम लेकर किसी ने, साधुकियों ने यीशु के पास आया था लुकस के अध्याय 20 में वचन 27 से लेकर, और सात भाई थे, सातों मर गए, मतलब एक एक करके ये स्त्री से विवाह किया और सब निसंतान मर गए, और स्वर्ग में जाने से पुनरुत्थान में इनकी किसकी पति, मतलब ये किसकी पत्नी होगी क्योंकि इस तरह का प्रश्न पूछे थे हम लोग लूकस के अध्याय 20 में। किस तरह प्रभु ने उसका सुंदर उत्तर दिया ये हम पढ़ते हैं, आपको पढ़ने के लिए हम बात ही करते हैं, हम इसलिए उत्तर सब पूरा नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। और उसके तुरंत बाद 11वां वचन में एक चौंकाने वाली एक घटना, एक नियम है, यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करें, किसी पुरुष की पत्नी अपने पति को मारने वाले के हाथों से छुड़ाने के लिए, पति को मारने वाले के हाथों से छुड़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर उसका गुप्तांग पकड़ ले, जेनिटल्स, तो उसका हाथ काट डाला जाए, तुम उस पर दया नहीं करोगे। ये खतरनाक एक नियम, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? तीन कारण। एक, स्त्री को जहाँ पर लड़ाई होती है या युद्ध होता है उसके बीच में जाना नहीं चाहिए, फंसना नहीं चाहिए, पहले से नियम था, इसलिए स्त्री को इनके बीच में जाने से प्रभु ने मना किया था कि लड़ाई होती है उसमें जाकर फंसना नहीं है। लेकिन आजकल पूरा लड़ाई में शायद पहले ही उतर के आते हैं, इसलिए प्रभु सावधान रहने के लिए बोलते हैं। और दूसरी बात, गुप्तांग की पवित्रता, यानी इन बातों को प्रभु कुछ शरीर के कुछ अरियों को विशेष महत्व दिया है, इसलिए उसको सब हम सावधानी से कवर सब करके उनको ढकते हैं, ये सब विशेष महत्व है, इसलिए गुप्तांग को प्रभु विशेष महत्व दिया है। और उसको हल्का समझना, उसकी निंदा करना, उनको यूं ही जाकर छूना, ये सब प्रभु अनुमति नहीं देता। तीसरी बात, गुप्तांग उसकी विशेषता ये है कि उससे ही संतान प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति जो है, प्रभु ईश्वर जो है सब कुछ को बनाने वाले सृष्टिकर्ता की सेवा में ही इस्तेमाल हो जाते हैं, यानी संतान प्राप्ति के महत्व को प्रभु हमारे सामने रख रहे हैं। इसलिए ये नियम जो है 11वां वचन के द्वारा जो रखे गए हैं, उसके द्वारा संदेश, जिसको प्रभु पवित्र माने हैं, जिसको प्रभु विशेष आदर सम्मान दिया है, हमको भी देना चाहिए। इसलिए हमें यानी नंगापन को दिखाना, यानी लोगों के सामने किसी के नंगापन को विवाह या प्रकट करना, यह सब बहुत खतरनाक कार्य, यानी एक बहुत ही गंभीर मामला या पाप बन जाता है। उसका कारण यही है, इसको प्रभु ने महत्व दिया है, उसको हमें महत्व देना ही चाहिए। हालेलुया। उसके तुरंत बाद 13 से 16 तक वचनों में, यदि दीर्घायु रहना है, जो देश में तुम्हें देता हूं वहां पर अधिक साल जीते रहना हो तो आपको क्या करना है, इसके विषय में प्रभु समझाते हैं। वो क्या है, आपको न्याय के अनुसार ही कमाना होगा। अन्याय की कमाई, पाप की कमाई मृत्यु लाएगी, और अधिक काल तक दीर्घ आयु आपको नहीं मिलेगी, अधिक काल तक जीवित नहीं रह पाओगे। ये नियम जो है बाइबल में बराबर अनेक जगहों में हम देखते हैं। उदाहरण के लिए सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वचन 19, ये उनकी गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते हैं, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान लेगी। और सूक्ति ग्रंथ 21 वचन 6 पे भी लिखा है, जो झूठ से कमाया हुआ धन आसार है, मृत्यु के पाश में बांध देती है। इसलिए अनेक जगहों में इसके विषय में हम देखते हैं, अगर
न्याय के अनुसार नहीं कमाएंगे वो हमारे लिए विपत्ति ला सकती है। उसके बाद इस अध्याय में जो बाकी है उसमें बताए गए अमलेकियों ने तुम्हारे साथ मिस्र से निकलते समय जो कुछ किया था उसे याद रखो। उन्होंने तुम पर उस समय आक्रमण किया जब तुम यात्रा करते करते थके मानते थे। उन्होंने तुम में उन लोगों को जो पीछे रह गए थे तुमसे अलग कर दिया। वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते थे, इसलिए जब प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने आसपास के सब शत्रुओं से छुड़ाकर उस देश में शांति प्रदान करेंगे तब आकाश के नीचे अमलेकियों की स्मृति मिटा दोगे, यानी उनको समाप्त करना, उनसे लड़ना, उनको हरा देना। ये यहाँ पर कारण बताया गया है कि क्योंकि रास्ते में जब थके मांदे थे तुम पीछे से आकर अन्यायी रीति से धोखे से उन्होंने तुमको मारा था। ये निर्गमन के अध्याय 17 पे है। लेकिन वास्तव में ये केवल कारण नहीं है, अनेक ईश शास्त्री हम बताते हैं। सामूल के पहले पुस्तक के अध्याय 30 पे वचन 1 से 20 तक वहां पर हम देखते हैं अमलेकियों का एक स्वभाव था, अचानक जाके अनेक गांव में और गांव बस्तियों को वे लूटते थे और सत्यनाश कर देते। इस तरह हजारों को मारे और सैकड़ों गांव बस्तियों को इन्होंने नष्ट कर दिया। इसलिए अमलेकियों की एक विशेषता था, ये लोग युद्ध को पसंद करने वाले लोग थे और बाकी लोगों को सत्यनाश करना, लूटपाट करना इनका एक आदत जैसी थी। इसलिए इनके इस स्वभाव के कारण उनको समाप्त करने का अधिकार, उनसे युद्ध करने का अधिकार प्रभु ने इसराइलियों को सौंपे है। कारण जो कोई जिसके द्वारा पाप करेगा उसके द्वारा यंत्रणा मिलेगा, इसलिए युद्ध में ही उनको समाप्त कर देने का अधिकार प्रभु ने इसराइलियों को सौंपे हैं। प्रभु के हाथ में एक उपकरण के रूप में प्रभु चुने हुए प्रजा को इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने बात है, यह संदेश इसमें से निकल के आते हैं। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संज्ञा 47 पर प्रवेश करते हैं, 47th साम। इसकी विशेष संदेश क्या है? प्रभु सर्वोच्च है, आराध्य है, पृथ्वी का महान राजा है, देशों को हमारे अधीन करता है, राष्ट्रों को हमारे पैरों तले रखता है, विरासत हमको प्रदान करता है। वो समस्त पृथ्वी का राजा है, सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है, सिंहासन पर विराजमान है, वो राष्ट्रों के शासक है। पृथ्वी के सभी शासक उसके अधीन है, सबों पर राज्य करता है। इसलिए प्रभु के अनेक विशेषण एक के बाद एक इस पर दी गई है। संदेश क्या है? इसलिए प्रभु कौन है, प्रभु कैसा है, प्रभु का अधिकार क्या है, प्रभु क्या करता है, इसको बताया। अब हमको क्या करना है उसके विषय में, प्रभु के इस महान कार्य स्वीकार करते हुए हमारी ओर से एक आत्मसमर्पण, उनके अधिकार को प्यार से स्वीकार करना, उनकी अधीनता पर रहने के लिए तैयार होना और उसी पे आनंद मनाना। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यह सब करने के लिए क्या करना है, किस तरह उसको प्रकट करना है? ईश्वर का अधिकार मैंने माना हूं, कैसे स्वीकार करना? मैं ईश्वर पे आनंद मनाता हूं, कैसे स्वीकार करना? मैं ईश्वर के लिए अपना सर्वोच्च सब कुछ चढ़ाता हूं, कैसे है? उसके लिए आपको क्या करना है? उल्लसित होकर जयकार करना, उसकी स्तुति करना, उसके आदर में भजन गाना, जयकार करना, स्तुति करना। इसलिए इसमें एक ही संदेश है, ईश्वर के अधिकार को स्वीकार करते हो धन्यवाद दो, स्तुति करो, ताली बजाना, मतलब अपने शरीर की ऊर्जा शक्ति प्रभु के लिए इस्तेमाल करना, आवाज उठाना, मतलब बोलने की ताकत प्रभु के लिए इस्तेमाल करना, स्तुति करना, यानी जीवन के पूरे शरीर मन आत्मा सब कुछ इस पे लगाना। किस पे? स्तुति पे, आराधना में।
प्रियजनों, ऊंची आवाज में स्तुति करना बाइबल के अनुसार एक ऐसे नियम है जिसे सभी लोगों को पालन करना होगा, सबके ऊपर लागू है, ये ऑप्शनल नहीं है। यानी जो चाहता है वो करो, नहीं तो मत करो, ऐसा नहीं है। ऊंची आवाज में स्तुति सभी लोगों को करना होगा। आने वाले दिनों में हम बाइबल में देखने का, विशेषकर स्तोत्र ग्रंथ में, कई जगह में हम देखने जा रहे हैं, ऊंची आवाज में स्तुति करो, एक नियम है इज़राइल के लिए, प्रभु का वो नियम है। हल्लेलुया। कारण क्या है, वो राजा है, इसलिए उसके अधिकार को हमें स्वीकार करना है, उसी पे आनंद मनाना है। देखिए, ऊंची आवाज और ताली बजाना और जब आनंद आएगा उस समय आवाज उठाना, ये सब सभी लोग जानते हैं, सबको ये स्वीकार भी करते हैं। लेकिन केवल एक ही बात है कि कहां पे ये करना है, कहां पे नहीं करना है, इसके बारे में केवल एक समस्या। उदाहरण के लिए, जब क्रिकेट मैच चल रहा है, वहां पर ताली बजाने हेतु, ऊंची आवाज उठाने हेतु सब लोग तैयार हैं, सब जाते हैं, या कोई मैदान पे है, कोई मैच चल रहे हैं उस समय हम आवाज उठाएंगे, या त्योहार के समय में चिल्लाएंगे। लेकिन गिरजाघर में ये करने के लिए अच्छा नहीं लगता, ताली बजाना पसंद नहीं है, आवाज उठाना पसंद नहीं है, वहां पर चुप। हालेलुया। इसलिए इसमें कितनी कितनी बड़ी एक निंदा हम प्रभु की कर रहे हैं मालूम, जबकि प्रभु कहते हैं मुझे ये चाहिए कि आप आनंद मनाए, मंदिर में आनंद मनाए, ताली बजाए, स्तुति करे, आवाज उठाए, अपना आनंद को प्रकट करे। लेकिन चर्च में जाते समय किसी का आनंद नहीं है। हालेलुया। लेकिन बाहर अन्य जगह में बोलता है, चिल्लाता है, ताली बजाता है, आनंद मनाता है, ये खतरा है। आप सबसे पहले ईश्वर पे आनंद मनाना शुरू करिए, बाकी मनोरथ पूरा प्रभु करेगा। ये वचन हमने देखा है, आप प्रभु में अपना आनंद मनाओगे, अपना मनोरथ पूरा करेगा। इसलिए प्रभु के लिए आनंद, प्रभु में आनंद मनाना, उसके आधार में स्तुति करना, ताली बजाना, ये सब प्रभु इस स्तोत्र में हमको सिखाते हैं। क्योंकि उसका अधिकार सारे अधिकारों से श्रेष्ठ है, सभी शासकों से वो ऊंचा है। हल्लेलुया। यूहन के सुसमाचार के अध्याय 21 आखिरी अध्याय, बहुत ही सुंदर कुछ संदेश हमें मिलते हैं इस अध्याय से। सिमोन पेत्रुस और अन्य 6 शिष्य लोग सिमोन की अगुवाई में मच्छी मारने गए, जबकि उनको प्रभु के लिए इंतजार करना था, जी उठने वाले के लिए। शायद पेत्रुस के मन में अचानक कुछ निराशा आई हो, पुराने धंधे पे लौटना अच्छा है, क्योंकि हमने जो भी सोचा था पूरा नहीं हुआ, हमने सोचा था मसीहा वो पूरे रोमी लोगों को सब पराजित करके हम पर राज्य करेगा, शासन करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मृत्यु होगी। इसलिए अब जो भी सुन रहा है वो सब कहां पे होने वाले हैं, कुछ भी नहीं, हम पुराने धंधे पे लौट रहे हैं। साथ में लेकर गए और 6 लोगों, लेकिन वचन में हम पढ़ते सवेरे हो ही रहा था, ईसा तट पर दिखाई दिए, कहां पर, तिबेरियुस के उस समुद्र के तट पर। शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके, यीशु कैसे पूछा, बच्चों खाने के लिए कुछ मिला, क्योंकि पूरी रात मच्छी मारा कुछ नहीं मिला। उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो, तुम्हें मिलेगा। कहना माना, इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब भी इन शिष्यों को कुछ नहीं लग रहा है, किंतु उस शिष्य ने जिसे ईसा प्यार करते थे पेत्रुस से कहा, ये तो प्रभु ही है। योहन,
यौहन, जैसे मैंने पहले भी कहा, अपने सुसमाचार में अपना नाम कभी नहीं रखता, बल्कि अपने नाम के बदले में वो कहता है वो शिष्य जिसे यीशु प्यार करता था। अपने नाम में कोई महत्व नहीं, उनके लिए महत्व बस इस बात का है कि प्रभु मुझे प्यार करता। उस प्यार के कारण, यीशु के प्यार को बहुत ज़्यादा वो स्वीकार करता था, यीशु के लिए दिल खोल देता था, उनके प्यार को स्वीकार करता था अधिक। इसलिए यीशु के एक चमत्कार उस पे छिपे हुए अर्थ को, संकेत जो है, साइन जो है, तुरंत इसको स्ट्राइक किया, समझ में आया। प्यार जिसके अंदर है उनको केवल चमत्कार उनके विश्वास को बढ़ाता है और चमत्कार उनको विश्वास की ओर ले चलता है जिसके अंदर प्यार है। हालेलुया। नहीं तो देखिए, जो अपने को प्यार करता है, जो पैसा को प्यार करता है, उनके लिए चमत्कार तो बराबर होता है लेकिन विश्वास नहीं बढ़ता। अनेक लोग चंगाई पाते हैं लेकिन फिर पाँव में चले जाते हैं, वापस नहीं आते। जब तक दूसरी बीमारी नहीं आती है तब तक वापस नहीं आते, विश्वास नहीं बढ़ता। चमत्कार को होता है लेकिन प्यार ना होने के कारण विश्वास नहीं बढ़ता। प्रभु जो कार्य करता है उसके लिए दिल खोला नहीं था, यूहन ने ऐसा किया था। यीशु के छाती पे जो अपने सीने, यीशु के सीने पे वो लेटा हुआ था आखिरी ब्यारी के समय, मतलब प्यार लेता है, प्यार देता है। हालेलुया। इसलिए यीशु को पहचान लिया यूहन। प्रियजनों, प्यार है तो केवल आप पहचानेगा, नहीं तो कितना भी चमत्कार हो कोई फायदा का नहीं। हालेलुया। और तब जब यीशु को जब समझ में आया, तुरंत पेत्रुस क्या किया, शर्म में कहता है पेत्रुस तुरंत ना पानी पे पेत्रुस ने सुना वो प्रभु है तो वो अपना कपड़ा पहन कर, क्योंकि वो नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगे पर आए। हालेलुया। प्रियजनों, पेत्रुस सोचा होगा मैं जल्दी जाकर माफ़ी मांगूंगा, वो शायद क्योंकि मैंने ही इन लोगों को लेके आया, पापों मैंने लोगों को दूर पर ले गया, मतलब प्रभु के लिए इंतजार करना था हमें, लेकिन पुराने धंधे पे आ गए। लेकिन पेत्रुस जब जल्दी जाते हैं वहाँ पर क्या देखते हैं, तट पर उतर कर वहाँ कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी, रोटी भी। सन उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियाँ पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। प्रियजनों, प्रभु एक मम्मी की तरह, एक माँ की तरह अपने से अलग हुई, रात में कहीं भटक रहे हैं अपने बच्चों के लिए। माँ जिस तरह इंतजार करती है, खाना बनाकर ताज़ा गर्म करके रखते हैं, बच्चा कब आएगा, रात में आएगा, सुबह आएगा, इंतजार करके बैठती है, एक माँ की तरह प्रभु इंतजार करते हैं अपने भड़के हुए बच्चों के लिए। और प्रभु खाना तैयार करके दिया, जी उठने वाला प्रभु ब्रेकफास्ट बनाकर अपने संतानों को, अपने प्रिय शिष्यों को खिला रहे हैं। हालेलुया। उसके पहले प्रभु ने क्या कहा, खिलाने के पहले, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। देखिए, प्रभु तैयार करके रखे थे फिर भी पहले उनसे मांगा, ताजा तुम्हारे पास क्या, व्हाट इज फ्रेश विद यू। हमेशा ऐसा है, प्रभु हमारे लिए देने के लिए सब तैयार करके रखा है। ऐसा नहीं है कि प्रभु के पास नहीं हो, लेकिन फिर भी प्रभु मांगता है, अभी अभी तुमने जो पाया उनसे कुछ। हर दिन ताजा प्रभु को समर्पित करना है। आज के हमारे संकटों को, आज की मेहनतों को, आज की प्रयत्न को हमें देना है प्रभु के हाथ में, तब प्रभु हमको देते हैं। जो उन्होंने रोटी बना दिया वो हमको देते हैं। इसलिए ये मिसा बलिदान का एक प्रतीक है। पहले प्रभु ने वचन दिया, बच्चों बोलकर वचन दिया, वचन बांटा, और उसके बाद अभी रोटी बांट रहे हैं। लेकिन प्रभु हमसे भी कुछ मांगते हैं, हर एक मिसा बलिदान में प्रभु हमसे भी कुछ चाहते हैं। खाली हाथ प्रभु के हाथ पास में नहीं जाना, कुछ लेकर चलना, यानी हमारे पास अभी ताजा जो है, पुराना जो दिया है वो काफी नहीं है, अब ताजा क्या है उसको लेकर प्रभु के हाथ में देना, तब प्रभु हमको दे देंगे। हल्लेलुया। और वचन दिया और अपना रोटी, यानी उसका शरीर ही है। और इस परिप्रेक्ष्य में, इसके बैकग्राउंड में प्रभु क्या कहता है,
प्रभु ने सिमोन से पूछा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? हालेलुया, प्रभु अब प्यार मांगते हैं। और इनके जो शिष्यत्व को प्रभु नवनीकरण करा रहे हैं, जो शिष्यत्व छोड़कर गए थे अब फिर से नवनीकरण करा रहे हैं। और उसके बाद केवल यानी तीन बार इन्होंने अस्वीकार किया था, अभी तीन बार पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसके बाद ही बोलते हैं मेरे भेड़ों को चराओ, यानी काम जो प्रभु सौंप रहे हैं वो बढ़कर नहीं है, उससे बढ़कर है, क्या तुम प्रभु को प्यार करते हो? कितना प्यार करते हैं उसके अनुसार काम सौंपा जाता है। हल्लेलुया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्रभु कभी पेतरुस से नहीं पूछा तुमने मेरे साथ क्यों किया, तुमने अन्याय क्यों किया, तुमने इन शिष्यों को बाकी लोगों को भी भड़का कर क्यों ले गया, तुम दो दिन पहले आंसू बहाकर रोए थे, पछतावा किए थे, लेकिन देखिए फिर से आज पाव में फंस गया। कुछ नहीं पूछता प्रभु, आपके पाप के बारे में नहीं पूछते हैं, बल्कि प्रभु हमसे एक ही बात हमारे आंखों में देख कर बैठा, हमारा नाम लेकर, हमारी चार दीवारी को जानता है, इसलिए अपना पिता का भी नाम लिया, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? प्रभु को एक ही बात पूछना है, क्या तुम प्यार करते हो? कितने बार पाप किया कोई बात नहीं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? हालेलुया। प्रियजनों आज प्रभु को हमसे केवल यही पूछना है, प्यार। शायद हमारे पास विश्वास होगा, अभी भरोसा भी होगा, वचन भी सब जानता होगा, प्यार है? कई लोगों में विश्वास है, प्यार नहीं है। इसलिए वचन कहता है यदि प्यार नहीं है, भले ही तुम हमें स्वर्गदूतों की भाषा ही बोलता हूँ, मुझमें विश्वास है, इतना विश्वास है कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकता हूँ, लेकिन मुझमें प्यार नहीं है, मैं बेकार। प्रियजन उसके प्यार के लिए हम तरसे, प्रभु आपके प्यार से मुझे भर दे। इसलिए एक प्रार्थना जो मैं बराबर सिखाता हूँ, सभी लोगों को बताता हूँ, प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, मेरे प्यार को बढ़ाइए। जीसस आई लव यू, इंक्रीज माय लव फॉर यू। सबसे महत्वपूर्ण बात यीशु को प्यार करने का है, इसलिए योहन अंत में इसी जगह में लेकर समाप्त करता है, यीशु को प्यार करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद दें, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक, आमीन।